जब हाथ में आते हैं, गाड़ी कंप्लीट होती है, पेपर वर्क पूरा हाथ में होता है हमारे कि भाई इसे पेपर लगाएंगे और ट्रांसफ़र हो जाएगी, तब वो गाड़ी सेल की जाती है, अन्यथा वो गाड़ी वैसे ही खड़ी रहेगी। ये गाड़ी तो इतने में हो ही नहीं रही, इसकी तो डील इतने में आ रही है, गाड़ी वाला मान नहीं रहा है। तो ऐसे जब बाद में बहाने जब चलते हैं जी, तो वो काम हमारे पास नहीं है। हम तो जो वीडियो पे बोलेंगे वही आपको सामने भी बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आप ही के अपने चैनल MP09 इंदौर पे। और दोस्तों आज हम आ चुके हैं इंदौर के काफ़ी मशहूर ऑटो डील जिसका नाम है पवार ऑटो डील्स। लोडिंग बाजार में ये लोग डील करते हैं। और दोस्तों इनसे मेरा एक काफ़ी पुराना एक सवाल है जो आप भी मेरे से बार बार पूछते रहते हैं, कमेंट में लिखते रहते हैं। और इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रमोद भाई, जिनसे हम जानेंगे पूरी डिटेल्स कि मार्केट में कैसे क्या काम होता है, किस तरीके से गाड़ियों को खरीदा जाता है, किस तरीके से बेचा जाता है। उसी के बारे में जो आप मेरे से सवाल करते हैं वही आज इनसे मैं सवाल करने वाला हूँ। साथ में आपको 5-7 गाड़ियाँ दिखाएंगे जो काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है, लो बजट में भी आप गाड़ियाँ मिलने वाली है इस वीडियो में। काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन मतलब समझते हो सर, कुछ भी गाड़ियों में खर्चा नहीं है। और इस वीडियो में प्रमोद भाई का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रमोद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रमोद पवार, चैनल MP09 इंदौर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो आपका सवाल है कि भाई आप गाड़ियाँ किस हिसाब से लाते हैं, कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ जिस तरह से मैं यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर गाड़ियों की जानकारी दे रहा हूँ या आपसे गाड़ी को डील करता हूँ, ऐसे ही हमारा ग्रुप बहुत बड़ा रहता है जिसमें हमारे पर्सनल मैकेनिक्स रहते हैं, हमारे पर्सनल चेकर्स रहते हैं, पर्सनल जो ड्राइवर्स रहते हैं, ये सब ट्रस्टेड लोग रहते हैं, ट्रस्टेड चेक करते हैं गाड़ियों को ऊपर से नीचे तक, इंजन बॉडी टायर केबिन हर चीज़ से गाड़ी ओके रहती है, सर्टिफाइड रहती है, तो हम उस गाड़ी को परचेज़ करते हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कि भाई चला के देखते हैं उसको, रनिंग करके वजन लोड करके देखते हैं कि अब इसमें क्या काम है, फिर उस हिसाब से उसके पूरा मेंटेनेंस होता है, उसका पूरा काम होता है। और पूरे पेपर वर्क जब हाथ में आते हैं, गाड़ी कंप्लीट होती है, पेपर वर्क पूरा हाथ में होता है हमारे कि भाई इसे पेपर लगाएंगे और ट्रांसफ़र हो जाएगी, तब वो गाड़ी सेल की जाती है, अन्यथा वो गाड़ी वैसे ही खड़ी रहेगी जिस कंडीशन में है, ना उसके पेपर वर्क आए हैं तो ना उसे बेचा जाएगा ना उसका काम कराया जाएगा। ओके प्रमोद भाई, एक सवाल और रहेगा कि जैसे यहाँ पे आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया पे वीडियोस डलते हैं इंदौर के, और जो आप गाड़ी बताते हैं उससे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये कम में मार्केट में बता रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी सस्ती क्यों और आपके पास इतनी मतलब 30-40 हज़ार रुपये का फ़र्क क्यों? वो कारण इसलिए है सुरन भाई, देखिए मैं अभी आपको ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ जी, तो मुझे उस बात पे भरोसा है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। तो आप मेरे पास कल आएंगे, कोई कस्टमर आएगा तो वो वही बात कहेगा जो वीडियो पे देख रहा है। बिल्कुल झूठ बोल के मैं आज आपको बुला लूँगा, कम पैसे वीडियो में बता दूँगा, और आप मुझसे जब मिलेंगे तो भाई ये गाड़ी तो इतने में हो ही नहीं रही, इसकी तो डील इतने में आ रही है, गाड़ी वाला मान नहीं रहा है। तो ऐसे जब बाद में बहाने जब चलते हैं जी, तो वो काम हमारे पास नहीं है। हम तो जो वीडियो पे बोलेंगे वही आपको सामने भी बोलेंगे, झूठ बोलने का काम नहीं है। और एक हमारे भाई का कमेंट आया था कि दोस्तों हमने गाड़ी परचेस करी थी, कहाँ का था, मैंने आपको कॉल भी किया था कि कोई दूसरे ऑटो डील से उसने गाड़ी परचेस करी थी और उसको 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक पेपर नहीं मिल पाए। तो आपके यही कारण है जी, यही कारण है, मैंने जैसे कि आपको सबसे पहले बताया कि जैसे ही हमारे हाथ में पेपर वर्क कंप्लीट होता है हमारा जी, तो हम गाड़ियाँ सेल करते हैं। और गाड़ियाँ कभी कभी 6 महीने भी खड़ी रह जाती है, कभी 4 महीने भी खड़ी रह जाती है जी। तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि अगर पूंजी लगा के गाड़ी कंप्लीट करा के मेहनत करके उस गाड़ी को हमने तैयार करा है और आपको हम पूरे कंप्लीट पेपर वर्क पर जब गाड़ियाँ दे रहे हैं, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये मुनाफा तो हम किसी भी कीमत पर कमाना चाहते हैं। और ये बात आप हमसे नहीं, हमारे कस्टमरों से पूछिए कि गाड़ी ले गए हैं तो उन्हें पेपर वर्क मिला है या नहीं मिला है। जो मार्केट से अदर लोगों ने परचेस किया, आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, अगर कोई आपके परिचित हो, कोई गाड़ी वाला हो। सुंदरम कॉम्प्लेक्स भोरकुआ इतना बड़ा मार्केट है कि इंदौर से आप 200 किलोमीटर की कहीं भी बाउंड्री घुमा लो, आपको इतना बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा। आपके पास में पड़ोस में कहीं पर गाड़ी है, कोई गाँव में कोई गाड़ी है तो वो सेकेंड गाड़ी लाया है तो अक्सर वो सुंदरम भोरकुआ की गाड़ी होती है, तो आप उससे जानकारी लीजिए, अगर 4-6 महीने में उसके पेपर मिल गए हो
तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। बिल्कुल, और जिन भाइयों ने यहाँ से पवार ऑटो डील से गाड़ी परचेज़ करी है तो वो भी कमेंट कीजिए कि आपके पास में यहाँ का व्यवहार कैसा रहा है, यहाँ की गाड़ियों की कंडीशन कैसी रही, और वो तो अभी तक यूज़ भी कर रहे हैं उस गाड़ी को, हाँ। तो आपके पास कैसी क्या चल रही है? पेपर वर्क कम्प्लीट नहीं है तो बताइए, तो बताइए। बिल्कुल, और नेक्स्ट, अब हम पेपर कंप्लीट हो गए और जो ऑफिस से पेपर नहीं ले गए, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, पेपर ले जाइए, संभाल के थक गए हैं, अब वो पेपर ले जाइए। बिल्कुल, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ का स्टॉक। तो प्रमोद भाई, सबसे पहले हम इस गाड़ी से स्टार्ट करेंगे। पहले ये गाड़ी हमारे पास है 2018 मॉडल, यूपी पासिंग है, MP13 लाइफ टेक नए नंबर के साथ में ये गाड़ी दी जाएगी। बॉडी आप इसकी देख पा रहे होंगे बिल्कुल राजस्थानी पैटर्न में, गाड़ी का आप लुक देख पा रहे हो बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में, इंटीरियर आप देखेंगे तो बहुत ही जोरदार शानदार कंडीशन में। ये देखिए आप, इस तरह की मोटर आपको कहीं भी बाजार में अवेलेबल नहीं होगी। जैसा मैंने बताया, जो इतनी देर से हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। बिल्कुल, कि गाड़ी की जो कंडीशन है, इस गाड़ी को आप ले जाने के बाद इसमें एक रुपए का काम बता दो कि आप, मैं ये कराऊंगा भाई, इसमें है नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आप इसमें म्यूजिक प्लेयर लगाना चाह रहे हैं, वो बात अलग है कि इसके अंदर आप साउंड सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, वो एक अलग। जो एक्सेसरी गाड़ी आती है उससे अच्छी कंडीशन में गाड़ी आपको मिलेगी, उससे 21 गाड़ी मिलेगी। ये है कि जो एक्सेसरीज में कुछ चीजें रह गई हो तो वो तो खैर शोरूम पे भी लगाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, और यहाँ तक के पीछे देख सकते हैं टायर पड़े हुए हैं, तो ये इन्हीं गाड़ियों के टायर चेंज किए हुए हैं। हाँ, जो खत्म हो चुके हैं टायर निकाल के फेंक देते हैं, नए टायर डाल देते हैं। क्या डिटेल्स बताइए प्रमोद भाई, 2018 मॉडल बीमा फिटनेस नया, प्राइस मात्र 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए में यहाँ पे 2018 की आप पिकअप मैक्सी ट्रक लेके जा सकते हैं, वो भी प्लस में। नेक्स्ट हमारे सामने खड़ी MP45 की, ये मॉडल 2015 का मॉडल है जी। ये बिल्कुल रनिंग कंडीशन की गाड़ी है, जिसमें ना टायर बॉडी केबिन कुछ भी काम नहीं है गाड़ी में, पूरी रनिंग कंडीशन की गाड़ी है। और बॉडी इसकी जो कस्टमर के पास थी उसी कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है गाड़ी। और टायर हमने दो पीछे के चेंज कर दिए, दो आगे रनिंग टायर हैं, रेडियम एसेसरीज वगैरह सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। MP45 नंबर है, इंदौर रजिस्टर्ड होके मिलेगी आपको। और प्राइस की इसकी बात करें हम तो 5.25 लाख रुपए की डिमांड है, बाकी नेगोशिएबल करा देंगे। नेक्स्ट गाड़ी हमारे सामने एक और, जो कि इस गाड़ी को मैं आगे से देखता हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि कोई ना कोई भाई इस गाड़ी को ज़रूर परचेज़ कर लेगा, क्योंकि ये इतनी मजबूत गाड़ी है दोस्तों कि मतलब महिंद्रा में मैं तो इन गाड़ियों से भी ज़्यादा मजबूत इस गाड़ी को मानता हूँ। ये बोलेरो मैक्सी ट्रक कहते हैं इसे जी, ये प्लस वगैरह कुछ नहीं है, ये बोलेरो मात्र मैक्सी ट्रक है, ये सादा इंजन में बड़े बोनट की गाड़ी है। इसके ऊपर आप हकीकत में कहीं लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं तो बिछा के सो भी जाओ, इतनी बड़ा बना बोनट है इस गाड़ी का। बाकी इसमें बॉडी जो चढ़ी हुई है ये वो भी 8 फीट की बॉडी चढ़ी हुई है, जो कहते हैं कि बड़े बोनट में बॉडी छोटी आती है, तो हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास 8 फीट में बॉडी अवेलेबल है बड़े बोनट में। सादा इंजन गाड़ी है, चारों टायर नए, बीमा नया, फिटनेस नया, सीट मीटिंग कुछ नहीं वगैरह, सब कुछ नया, गाड़ी फुल अप टू डेट कंप्लीट मोटर, और वो भी सादा इंजन के साथ में। ये देख सकते हैं प्राइस की इसकी बात करें हम तो 2012 मॉडल, 4.25 लाख रुपए की डिमांड है, कहीं भी 380 के आसपास ये गाड़ी हम आपको दे देंगे, कॉल करें फटाफट गाड़ी बिक जाएगी घटाघट। बिल्कुल, नेक्स्ट हमारे सामने 2018 की, यहाँ पे देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी है, ये 1.5 है जी भाई, बोलेरो पिकअप 1.5 कहते हैं इसे जी। तो आपको इसमें कबानी ऊपर मिलेगी, स्टीयरिंग पावर मिलेगा, बॉडी नो फिट मिलेगी जी। तो ये देख सकते हैं गाड़ी की काफी जबरदस्त कंडीशन है, अंदर से इंटीरियर देखो एक बार, अभी फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, चेक कीजिए अंदर से देखिए, काफी जबरदस्त गाड़ी की कंडीशन है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है पिकअप FB, 9 फिट में बॉडी बताई प्रमोद भाई ने इसकी, 9 फिट में लोड कैपेसिटी कितनी कर सकते हैं प्रमोद भाई इसके अंदर? अपन इसमें आप करीब 4 टन तक लोड भर सकते हैं, 4 टन तक इसमें लोड भर सकते हैं, 40 क्विंटल। ओके, इसकी डिटेल्स बताइए जरा। मॉडल 2018, बीमा नया, फिटनेस नया, स्टेयरिंग पावर, बॉडी नो फिट, कबानी ऊपर, टायर नए जी। प्राइस मात्र इसकी 7,50,000 रुपये, 7,50,000 रुपये में यहाँ पे आप FB लेके जा सकते हैं, पिकअप FB। नेक्स्ट हमारे सामने ग्वालियर पासिंग की MP7 गाड़ी खड़ी हुई है, ये 2017 मॉडल CVC पैटर्न गाड़ी है जी। आपको इसमें पिछले टायरों में डबल बेयरिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सीट मेटिंग वगैरह सब कुछ गाड़ी में कंप्लीट है, रनिंग कंडीशन की गाड़ी है, मॉडल 2017, बीमा फिटनेस नया। प्राइस की इसकी बात करें तो हम, इसकी डिमांड आ रही है मात्र 7 लाख रुपये।
रनिंग कंडीशन का कहने का मकसद ये है दोस्तों कि कस्टमर से जैसे उनने परचेज़ करी वैसे की वैसी उसकी जनरल सर्विस चेकअप करवा के और परफेक्ट पास होने के बाद गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे सामने है महिंद्रा का जीतो मॉडल 2016, चारों टायर नए, बॉडी नई, सीट नई, मेटिंग नई, बीमा नया, फिटनेस नया, और क्या नया होता है भाई इसमें, टायर नए, टायर चारों नए हैं बिल्कुल, मतलब कि सब कुछ गाड़ी में नया डाला हुआ है जी, खूब खर्चा किया हुआ है, मात्र 2.5 लाख रुपए जी, 2.5 लाख रुपए में 16 मॉडल। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो भाइयों को नॉलेज नहीं है, जो भाई इस लाइन में नए उतर रहे हैं कि एक गाड़ी खरीद ली जाए और हम कुछ ना कुछ आमदनी कर सकें, उन लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप गाड़ी हमसे परचेस करें या ना करें एक बार चर्चा करने के लिए जरूर यहाँ जरूर करें, मिलने जरूर आएँ और बातचीत करें कि हम यहाँ से गाड़ी परचेस कर रहे हैं, प्रमोद भाई कैसी क्या है, मैं ले लूँ क्या, ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेने जरूर आ सकते हैं। आपको अगर उचित लगता है तो बिल्कुल ले सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारा पवार ऑटो डील्स का काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक, यहाँ पे भी और ऐसे ही कितने यार्ड हो रहे हैं प्रमोद भाई, और 10 यार्ड हो रहे हैं, 10 यार्ड इतने के इतनी गाड़ियों के साथ में और भी है, और वहाँ के वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद धन्यवाद।